बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे अल्लाह ताला के हुज़ूर करम से। मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल सारी फैमिली को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आज की वीडियो है, आज हम आए हुए हैं खेतों में। तो खेतों में इसलिए आए हैं क्योंकि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, और सर्दियों का आगाज़ हो और साग ना हो तो ये तो अच्छा ही नहीं ना लगता। फिर सर्दियाँ नहीं रहती, इसलिए हम ना सर्दियों का आगाज़ कर रहे हैं साग खाने से। और गाइस वो देखिए पीछे वो मेरी पोटैटो खड़ी हुई है, साग लेने आए हैं, खेतों से तोड़ने आए हैं। तो हमने कहा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं, और गाइस साग तोड़ेंगे और आगे की जो रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं और मम्मा मेरी साइकिल पर आए हैं। तेरी साइकिल पर मैं बनना था, तो इधर तक हम पहुंच चुके हैं। तो फिर आगे जाएंगे जिधर साग है, तो वहाँ साग तोड़ेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये देखें इस वक्त ना हवा भी ठंडी चल रही है बहुत ज़्यादा, जो सर्दियों का सुहाना मौसम शुरू हो चुका है। गर्मियों से तंग आए, अब खुशियाँ मनाएं साग के साथ। और गाइस आपने पाकिस्तान के कई इलाकों में ना वो बर्फबारी हुई है, तो आपने बताना है आप जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर हुई है कि नहीं हुई। तो इधर तो कुछ नहीं हुआ ना, इधर बारिश हुई है और ना कोई, वैसे मौसम तो बारिश जैसा है, बादल तो आ रहे हैं कल से, तो लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई, अभी हवा ठंडी चल रही है। तो ये हम तोड़ रहे हैं साग। तो इस मौसम का साग जो होता है बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये मैं आज ना साग बना रही हूँ, खेतों से साग लेके आए थे, तो आज ना ये मैं काटती हूँ। तो साथ साथ ये बना रही हूँ, और साथ साथ खाने का जो भी होगा ना वो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब ये मैं साग काट रही हूँ। तो ये ना पहले तो मैं दूसरी दरंती के साथ भी काट लेती थी, लेकिन आज मैंने छुरी के साथ काटा है क्योंकि ज़्यादा था, तो इसलिए ना मैंने कहा कि इससे आसानी से काटा जाएगा। तो ये मैं साथ ही ना काट रही हूँ, और साथ साथ धो के उधर पतीले में पकने के लिए रख दिया है, तो वो भी साथ शेयर करती हूँ। अभी सिर्फ ये जहाँ तक काफ़ी है कि मैं अभी साथ काट रही हूँ, तो आगे फिर शेयर करूँगी। तो ये देखिए ये ना साग पकने के लिए रख दिया है पतीले में, पक रहा है। तो साथ साथ काट रही हूँ, साथ साथ इसमें डालती जा रही हूँ ताकि ये ना अच्छी तरह से पक जाए। तो अभी पालक भी काटने वाली है, सब्ज मिर्चें हैं पीस के वो भी इसमें डालूँगी। तो अभी ये शुरू हुआ है, तो यहाँ तक की रूटीन आपके साथ शेयर कर दी है। आगे मैं दूसरी चीज़ें भी इसमें डालूँगी तो साथ शेयर करूँगी। तो साग का काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, पहले खेतों से लेके आओ काफ़ी टाइम लग जाता है उधर, फिर घर में शुरू हो जाता है काम। तो इसे बनाना संवारना और काटना बहुत ही मुश्किल काम है, सारा दिन इसमें हो जाता है। तो ये अभी मेरी पालक बनाने वाली है, तो अभी साग काटा है वो भी थोड़ा रह गया है, इतना सा रह गया है, तो माशाल्लाह से पकेगा, मज़ा आएगा खाएँगे। तो अभी ये साथ साथ शेयर करूँगी। ये देखिए ये गंद, तो ये पालक भी बना रही हूँ अभी, तो अभी बाकी। तो ये देखिए साग पक रहा है, अभी ये ना पकने के करीब करीब है, एंड पे है, तो अभी इसको आटे का कोटा लगाएंगे। तो ये है पेंडू माहौल का साग, तो पूरी दोपहर इस पर सर्व हो गई है, दोपहर का शुरू किया है बनाना, तो अभी तक ये पक रहा है, तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक ये हो जाएगा तैयार, तो फिर पका हुआ आपके साथ शेयर करेंगे। तो साग जो है ना वो पक चुका है, तो अब इसको ना रगड़ा लगा रहे हैं आटा डाल के, ताकि ये अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाए, तो फिर ये तड़का लगाएंगे इसे, तो फिर खाएंगे। तो थोड़ा सा रह गया है इसका काम। तो ये गाइस
मैं दूध लेकर आ चुका हूँ और ये देखे मेरी न्यू वॉच। तो ये न्यू वॉच गिफ्ट मिली है सालन को। ये है गांव के माहौल में देसी तरीके से साग की रगड़ाई। तो अब तो जो लोग हैं वो मशीनों के साथ इसे ग्राइंड करते हैं, तो हम अभी भी इसके साथ बना रहे हैं। मैं थक गई हूँ और सर मेरी हेल्प करवा रहा है और सारे में वो है साग को क्या कर रहे हैं, कोटा लान दिया। कोटा लान दिया, ऐसे नहीं लगाते, ऐसे करो, ऐसे ऐसे। मैं मिर्चियों की तरह टूट रहा हूँ। ऐसे करो, चलो। अच्छा पंखा चलाना करके दिखाओ। तो ये देखिए सारिम का हशर क्या हो रहा है। ये मैं करने लग गया ना, एम्बुलेंस बुलानी मैंने। मेरे बीबी तेज हो गया। तो अब ना साग जो है वो तैयार हो चुका है, उसे रगड़ा लगा लिया है। तो अब ना बारी आ गई है इसे तड़का लगाने की। तो अब ये तड़का लगाएंगे और मज़ेदार सा साग तैयार हो जाएगा, फिर मज़े लेके खाएंगे। तो अब मैंने देगची में ऑयल डाल लिया है, उसमें लहसुन अदरक पेस्ट दोनों चीज़ों का वो डाल लिया है। तो इस साग में मैंने पालक, सब्ज मिर्चें, मेथी और धनिया वगैरह हर चीज़ डाल ली थी। तो अब सिर्फ तड़का लगाने वाला रह गया है। तो ये तड़का लगाती हूँ, सब्जियों का आगाज हो जाएगा मेरे पास। तड़का लगा के रख लूँगी, जिसका जैसे चाहेगा खा लेंगे। वो देसी घी भी डालते हैं, तो इसमें मैंने आयल डाला है, तो देसी घी ज़्यादा से डाल देंगे। तो इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, लाल मिर्चों की ज़रूरत नहीं थी वो नहीं डाली। तो नमक भी पूरा है इसमें, अपना तड़का ही लगाना है। तो ये मैंने मसाला तैयार करके तो इसमें साग डाल लिया है। तो साग मज़ेदार तैयार हो गया है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का साग बना है। तो अब तैयार हो गया है, तो इसमें डालेंगे देसी घी और रोटी के साथ खाएंगे। मुँह में पानी आ रहा है, बहुत मज़े का बना। और स्मेल इतनी अच्छी आ रही है। और गाइस आपने कमेंट में बताना है कि ये आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा। मोबाइल में तो ये ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो कलर है ना ये रेड है। ये देखें, ये भी ऑरेंज नज़र आ रहा है, नहीं ये रेड ही आ रहा है, अब रेड आ रहा है। तो साग जो है ना मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, सिर्फ एक दिन। तो एक दिन के लिए तैयार हो गया है, बाकी थोड़ा सा है वो फ्रीज कर लेंगे। तो जिस दिन फिर दिल करेगा फिर बना के खा लेंगे। और गाइस ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं बार बार टाइम में देखी जा रहा हूँ, इतनी अच्छी लगी। तो ये मज़ेदार सा देसी घी वाला साग तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना है। तो रोटी हमारी तैयार हो गई है, तो अब ना बैठ के ना खाते हैं मज़े से रोटी। तो ये एक बार फिर देख रहे हैं, बहुत ही मज़े का साग बना है। तो चलो खा लो अब सब बैठ के ना। गंदलां दा साग ते मखन मकई, ऐसे ऐसे ये मकई है नहीं, मकई की रोटी तो है ही नहीं हमारे पास। मकई की रोटियां अभी नहीं ना, अभी
जब हो जाएगा ना सर्दियों का दरमियान। ये गंदलां दा साग मक्खन मकई ते गंदम दी रोटी। तो बहुत ही मजे का बन गया है साग हमारा, तो बैठ के खाएंगे अब मजे लेके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे काम करना पड़ा, तो अकेले बंदे का काम नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये साग बनाया है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल सारी फैमिली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। शाद रहें, बाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। अगली नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।